कभी अगर एटीट्यूड रखना हो तो एक बाज की तरह रखना, क्योंकि आसमान में वैसे उड़ते तो कई पक्षी हैं, लेकिन बाज उन सभी पक्षियों और आसमान का राजा होता है। क्योंकि एक बाज का एटीट्यूड बाकी पक्षियों के बीच रहना, साथ उड़ना या उनके जैसा बनना नहीं होता, बल्कि वह अकेला उड़ता है और सभी पक्षियों से सबसे ज़्यादा ऊंचा उड़ना उसका लक्ष्य होता है। आसमान में इतना ऊपर चले जाना जहाँ उसको कोई टच ना कर सके, कोई डिस्टर्ब ना कर सके और ना ही उसे कोई चोट पहुंचा सके। क्योंकि जब एक उड़ते हुए बाज की पीठ पर बैठा हुआ कौवा जब उसे चोंच मारता है, उसे परेशान करता है, तो बाज उस कौवे से लड़ता नहीं है, उसे कोई रिस्पांस नहीं देता, बस वह चुपचाप अपने पंखों